Now our next topic is exponential Fourier series. So actually, exponential Fourier series is a compact form of exponential Fourier series. Is a compact form of Fourier series. Here, the function x of t is expressed as weighted sum of complex exponential function, that is e j n omega naught t. Okay, it has both positive and negative frequency component. अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से, तो वहां पे तुमको दो कोफिशियंट मिलता था, राइट? और यहां पे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में हमें सिर्फ एक कोफिशियंट मिलता है, इसलिए इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. सो हेयर ओनली वन कोफिशियंट इज यूज्ड and it is easy to solve mathematically. Compared to trigonometric Fourier series or in exponential Fourier series, it is easy to obtain steady state response of a periodic input signal. So, steady state response of periodic input is obtained easily in exponential Fourier series. Now, x of t को हम किस तरह से लिखते थे trigonometric Fourier series में? A naught plus summation of n is equal to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t. Now, cos theta को हम exponentially कैसे लिखते हैं? e to the power j theta plus e to the power minus j theta divided by 2. और sin theta को किस तरह से लिखते हैं? e to the power j theta minus e to the power minus j theta divided by 2. Now, x of t can be written as a naught plus summation of n is equal to 1 to infinity a n into e to the power j n omega naught t plus e to the power minus j n omega naught t divided by 2 plus b n e to the power j n omega naught t minus e to the power minus j n omega naught t divided by 2. Sorry, यहाँ पे 2j होगा. Okay. Now, this can be written as a naught plus summation n is equal to 1 to infinity. इसको हम लिख सकते हैं e to power j n omega naught t को हम कॉमन ले लें, then a n by 2 plus b n by 2 j plus e to power minus j n omega naught t को अगर हम कॉमन लेंगे, then we will get a n by 2 minus b n by 2 j. Okay. Now, x of t can be written as a naught plus summation of n is equal to 1 to infinity e to power j n omega naught t a n minus j b n
डिवाइडेड बाई टू प्लस ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, दिस विल बी ए एन जे ऊपर चला जाएगा प्लस जे बी एन बाई टू। ओके नाउ इसको हम लिखेंगे सी एन और इसको हम लिखेंगे सी माइनस एन, या इसको हम सी एन कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। नाउ दिस एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इज्कल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन ऑफ एन इज्कल टू माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी सी एन ए टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। सो एक्चुअली हम इस इक्वेशन में यहाँ पे एन इज्कल टू वन टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा सी ऑफ माइनस एन होता राइट, सी ऑफ माइनस एन, तो हम क्या करेंगे उस माइनस एन को एन में, मतलब साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी राइट। ओके तो यहाँ पे हम क्या किए साइन को रिवर्स कर दिए हैं, समेशन को भी रिवर्स कर दिए हैं। नाउ अगर इसको हम कम्प्लीटली लिखें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन एक्स ऑफ टी विल बी समेशन ऑफ एन इज्कल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का फॉर्म। नाउ यहाँ पे हम सी एन को क्या लिखें दैट इज ए एन माइनस जे बी एन बाई टू राइट। अगर हम सी एन को एक्स ऑफ टी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ए एन और बी एन को हम कॉस और साइन के टर्म में लिखते हैं। ओके जो फॉर्मूला था हमारा नाउ दिस विल बी ए एन क्या लिखते हैं टू बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस माइनस टू जे बाई टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी एन है राइट माइनस जे बी एन, सो माइनस जे वैसे ही रह जाएगा टू बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी ओके डिवाइडेड बाई टू। नाउ दिस टू विल गेट कैंसल्ड, बचेगा क्या सी एन इज इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस जे बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अगर हम इसको कॉमन लें वन बाई टी दिस विल बी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। नाउ सी एन विल बी वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी। नाउ वॉट इज दिस कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा दैट विल बी ई टू पावर माइनस जे थीटा राइट, तो इसको हम क्या लिखेंगे ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके सो ये एक्स ऑफ टी का फॉर्म होगा और ये सी ऑफ एन का कोफिशियंट का फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर तुमको ए नॉट निकालना पड़े या सॉरी अगर तुमको सी नॉट निकालना पड़े तो वो ए नॉट की तरह होगा दैट इज वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी डी टी। ओके यहाँ पे अगर तुम एन का वैल्यू तुम जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा राइट, सो दिस विल बी सेम एज ए नॉट। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज अगर ए नॉट ए एन और बी एन दिया हुआ है देन यू कैन फाइंड रिक्वायर्ड सी नॉट एंड सी एन। ओके हियर सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एंड सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन
बाई टू, और सी माइनस एन या सी एन का कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू ए एन प्लस जे बी एन बाई टू. ओके, नाउ अगर सी एन से मतलब एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना हो, एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. हियर ए नॉट विल बी इक्वल टू सी नॉट, ए एन विल बी इक्वल टू सी एन प्लस सी माइनस एन, एंड बी एन will be equal to c minus n minus cn divided by j. ओके, तो अगर तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशियंट है तो तुम उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशियंट निकाल सकते हो. एंड इफ cn एन इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन, सॉरी सी एन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन, देन दिस विल बी real coefficient. And if c of n is equal to c of minus n conjugate, then this will be imaginary coefficient. Okay. Now we will see this. If c of n is equal to 1 by t integration 0 to t x of t e to the power minus j n omega naught t dt, then c n conjugate will be 1 by t integration 0 to t x of t conjugate into e to the power, iska conjugate kitna ho jayega, j n omega naught t dt. Okay, if this is real, for a real x of t will be equal to x conjugate of t, right, तभी जाके ये दोनों इक्वल होगा, इफ एक्स ऑफ टी इज रियल. ओके, सो सी एन कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स ऑफ टी ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, नाउ पुट एन इज इक्वल टू माइनस एन इन सी एन, राइट, देन सी ऑफ माइनस एन विल बी इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी x of t e to the power j n omega naught t dt. Okay, now these two equation are equal if x of t is real. Okay, so we can tell that c of n conjugate should be equal to c of minus n. Okay, then this will be real. Now agar iska magnitude spectrum banayenge, then mod c n and this will be like c naught, c 1, c 2, c 3, like this. Okay, और यहाँ पे होगा c 1, c 2, c 3. इसको प्लॉट करके देखेंगे हम. ओके, किसी क्वेश्चन में ना, अब देखो ये किस तरह का सिग्नल आ रहा है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल आ रहा है, राइट, टू साइडेड सिग्नल आ रहा है, और कैसा है, डिस्क्रीट है. ओके, और इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होगा दैट इज इवन, और अगर तुम इसका फेज स्पेक्ट्रम बनाओगे एंड दैट विल बी ऑड, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री लेते हैं इसका, और इसका हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक बनाएंगे, देन दिस विल बी लाइक e to the power j theta, this will be e to the power minus j theta. Okay,
तो दिस विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्री. नाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को निगेटिव फ्रिक्वेंसी मिल रहा है और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, और स्टार्टिंग में हम लिखे थे इट हैज़ बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट. ओके, तो यहाँ पे तुमको निगेटिव फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, राइट. सो यहाँ पे जो माइनस ओमेगा एन है दैट इज योर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी. नाउ इन दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फार्मूला आर कौन कौन सा था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी. सी ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन बाई टू विच इज इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी एंड सी नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स ऑफ टी डी टी.